हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की कृषि। लूसेंट ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, तो जिसमें कि हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के एमसीक्यूज देख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक भारत की कृषि है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम लोग 100+ क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को खुद से बनाने का, और कमेंट में अपना स्कोर भी लिखिएगा, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप जब रिवीजन करेंगे तब आप खुद से बना करके स्कोर लिखेंगे। ओके गाइस, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगी उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि? तो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो वृष्टि है। वृष्टि बोले तो वर्षा, वर्षा के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा कृषि पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ। तो नकदी फसल, गन्ना, कपास और जूट, ये नकदी फसल है। गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड और जूट। रबी फसल जो है जूट नहीं है। गेहूं, जौ और रेपसीड रबी फसल है, जूट रबी फसल नहीं है। रबी फसल क्या होता है? रबी का जो फसल होता है वो अक्टूबर नवंबर महीनों में बोया जाता है, जिसमें गेहूँ, जौ और रेपसीड आता है, जूट इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब? तो सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद पंजाब का, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूँ, गन्ना और चने में भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा भारत के किस क्षेत्र को कहते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, केरल तथा तमिलनाडु क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को या फिर इंडो गांगे क्षेत्र को? तो भारत के चावल का कटोरा, ये याद रखिएगा, ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है इसको कहते हैं भारत का चावल का कटोरा। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूँ के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत में गेहूँ का, ठीक है, गेहूं का पहला तीन बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादक जो है कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादित करता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? तो ये धान, धान जो है इसकी खेती होती है, धान से ही चावल निकाला जाता है, तो धान की जो खेती है ये सब सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजता है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या उपजता है? हमने क्या देखा, धान, धान से क्या निकलता है? चावल। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? भारत में जो हरित क्रांति हुआ था ये किस मामले में सबसे ज़्यादा सफल रहा, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो सफल रहा था वो गेहूं और चावल के मामले में रहा था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो हरित क्रांति जब हुआ तो इसके मामले में गेहूँ और चावल तो सफल रहा, लेकिन किसका अंश है जो कि कम हो गया? तो ये है दलहन और मोटा अनाज, इसका अंश कम हो गया, ठीक है, और सफल क्या रहा था? गेहूँ और चावल। नेक्स्ट, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत का धान्य भंडार कहा जाता है पंजाब को। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति, ठीक है, ऑप्शन से कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो हरित क्रांति का जो अर्थ है वो ऑप्शन डी होगा कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी आपको याद रखना है कि हरित क्रांति के जो पिता हैं वो कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो भारत की बात अगर करें तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो हरित क्रांति के जो पिता रहे हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो थे नॉर्मन अनरिस्ट बोरलॉग, ठीक है, और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन।
नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का जो उत्पादन है ये सबसे अधिक गुजरात में होता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो काजू केरल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दालों का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन और दाल का उत्पादन अधिक होता है, मूंगफली का गुजरात में होता है, काजू का केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से निकलता है? तो केसर जो है वो भारत के का एकमात्र जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे केसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? फलों के उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे कौन है? चीन, ठीक है। नेक्स्ट है, सब्जी उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? सब्जी उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पे है और चीन पहले नंबर पे, ठीक है। फल हो या सब्जी हो, चीन पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट का जो उत्पादन है ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, जूट का और चावल का, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वृहद पैमाने पे जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो जूट की जो खेती है, ये जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी है ये देख सकते हैं आप लोग, हुगली नदी है ना, तो हुगली नदी घाटी के क्षेत्र में जूट की खेती होती है बड़े पैमाने पे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? सबसे बढ़िया जो चाय है ये होता है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग का चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो दार्जिलिंग का चाय तो सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है ये भी हमें बताना है, तो ये असम हो जाएगा, असम में सबसे अधिक चाय पैदा होती है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन का हमने क्या देखा था? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं, गन्ने से ही चीनी निकलता है ना। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबर केरल से, ये क्वेश्चन दो बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में चौथा है, पहले नंबर पे थाईलैंड है, दूसरे पे इंडोनेशिया है और तीसरे पे मलेशिया है, फिर आता है भारत। नेक्स्ट है, भारत लंबे रेसे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? लंबे रेसे के जो कपास होते हैं इसका आयात भारत मिस्र और सूडान से करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है और पाकिस्तान से करता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, इन सभी जगहों से करता है। नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहले नंबर पे चीन है, ठीक है। तो फल सब्जी हमने क्या कहते हैं, फल सब्जी और तंबाकू, इन तीनों में चाइना पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे। ओके, नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, मछली और चावल। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत जो है वो विश्व में पहले नंबर पे है दूध उत्पादन में, और भारत में दूध उत्पादन में सबसे जो आगे राज्य है जो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये क्या है पहले हम वो देखते हैं। तो 1970 में, क्या 1970 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड, इसने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया था। इसकी सफलता के लिए इसे श्वेत क्रांति का नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये स्टार्ट कब हुआ था, 1970 में हुआ था, ठीक है, और ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया था, और इसने, ये जो ऑपरेशन फ्लड था इसने भारत को विश्व में दूध के उत्पादन में सबसे आगे कर दिया था। इसकी इसी सफलता के कारण इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड में हमने देखा था दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन है ना, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, ओके, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है?
हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति। तो इसमें कृषि से संबंधित नहीं है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में है, इसलिए कृषि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है, कपास उत्पादन में आगे है गुजरात। नेक्स्ट गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य, गेहूं उत्पादन में आगे है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, चाय कहाँ पे उत्पादित नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और एक चीज़ कि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारत में चावल का कटोरा कहते हैं, जबकि अगर विश्व की बात करें तो विश्व में क्यूबा को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगर विश्व का चावल का कटोरा क्यूबा को कहते हैं और भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ये चीज़ दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, तो भारत में सबसे अधिक जो कॉफ़ी उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। ठीक है, 70% कॉफ़ी पूरे भारत का अकेला कर्नाटक में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल गेहूं नहीं है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता, गेहूं की खेती ये तमिलनाडु में नहीं होती है, कर्नाटक में होती है, महाराष्ट्र में होती है, पश्चिम बंगाल में तो होती है, तमिलनाडु में ये नहीं होती। नेक्स्ट है कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, हम लोग पहले भी मूंगफली वाला देख चुके हैं, गुजरात में मूंगफली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है, तो गुजरात ये दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन ए है, ये दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला कथन गलत है, क्योंकि हमें गलत कथन ही बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि गुजरात दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हमने देखा था मध्य प्रदेश में होता है, मूंगफली में भी है, नमक में भी है, कपास में भी है। नेक्स्ट है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तो चावल का होता है, और चावल भारत में चावल का किस राज्य में आगे है, वो हमने क्या देखा था, पश्चिम बंगाल। मैं बार बार रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, कौन सा ऐसा फसल है जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन इसमें जमाव नहीं, तो ऑप्शन है धान, जूट, चाय, मूंगफली, तो ये हो जाएगा चाय, इसमें पानी अधिक चाहिए लेकिन पानी का जमाव नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन खरीफ फसल इसमें से नहीं है, तो इसमें सरसों खरीफ फसल नहीं है, कपास, मूंगफली और मक्का है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो नवंबर के स्टार्टिंग में खरीफ की फसल को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, अंगूर की पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती, गन्ना, तिलहन, कपास और रबर, तो महाराष्ट्र में रबर पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट है रेशा फसलें कौन सी है, रेशे वाले फसल कपास है, सन है, जूट है, ये सब रेशे की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम क्या है, लोक नृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है, कृषि का एक तरीका है, तो झूम खेती आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, झूम जो है कृषि का एक तरीका है। झूम खेती क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि पहले वृक्षों या वनस्पति जो होती है उसको काट करके उन्हें जला दिया जाता है, और साफ करके, साफ की गई भूमि को जुताई करके उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है, इसी को कहते हैं झूम खेती। मतलब पहले वनस्पति और जो भी वृक्ष होते हैं उनको काट के जला देते हैं, और फिर जमीन को, उस भूमि को साफ करके उस पर जुताई करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, उसको कहते हैं झूम खेती। तो झूम क्या होता है, कृषि करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, तो हमने क्या देखा था कि कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में, लगभग भारत के 70, भारत के जितनी कॉफ़ी है उसमें 70% अकेला कर्नाटक उपजाता है, लेकिन कर्नाटक का कौन सा जिला है जहाँ पे कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, ये अगर देखें तो ये है कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग जिला, यहाँ पे सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, तो भारत में संपूर्ण जितना रेशम उत्पादित होता है उसमें आधा जो है, कौन सा राज्य है जो आधा अकेला वही उत्पादित करता है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के कितने परसेंट लोग कृषि पे आश्रित हैं, भारत के 52% लोग हैं जो कि कृषि पे आश्रित हैं। नेक्स्ट है जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है। नेक्स्ट है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती होती है कॉफ़ी की,
नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। तो दक्षिण भारत की बात हो रही है, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे? वैसे तो हमने देखा था पूरे भारत में चाय सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है असम में, लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत लिखा गया है, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य। सबसे ज़्यादा तंबाकू जो उत्पादित होते हैं वो गुजरात और आंध्र प्रदेश में होते हैं। नेक्स्ट है भारत में मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन सा राज्य करता है? तो भारत में मसाला जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित ये केरल से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ने के खेती के अंतर्गत सबसे जो अधिक भूमि है यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मैच करना है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये किस क्रांति से संबंधित है? दूध उत्पादन किस क्रांति से है? मत्स्य उत्पादन और उर्वरक उत्पादन ये हमें मिलाना है। दुग्ध उत्पादन हम लोग जानते हैं श्वेत क्रांति, बी का 3 देखिए आप लोग कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है तो ऐसे भी सही हो गया। वैसे हम लोग पूरा मिला लेते हैं, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति हमने देखा था, और खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है ये हरित क्रांति से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट है भारत में जूट का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? तो जूट उत्पादन हम बहुत बार देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रवि के मौसम में, जायद के मौसम में या फिर वर्ष भर? तो मक्के की जो खेती होती है ये खरीफ के मौसम में की जाती है। नेक्स्ट है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में, गोवा में, तो केसर सिर्फ एकमात्र जम्मू एंड कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं। पहला कथन है भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, तो इसमें सही हमें बताना है। तो देखिए भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ये कथन तो सही है। दूसरा जो कथन है कि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ये गलत है। भारत में चाय की जो घरेलू खपत है यानी कि भारत के लोग भी चाय अधिक पीते हैं तो इसलिए ये भी अधिक है, तो दूसरा वाला कथन गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ए सही है, लेकिन आर जो है ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है उपज है और उत्पादक राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ये बिल्कुल सही है। केला केला महाराष्ट्र में होता है, तो ये वाला गलत है। केला उत्पादन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है ना कि महाराष्ट्र में, तो हमारा ऑप्शन बी जो होता है ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, नारियल केरल में होता है। नेक्स्ट है पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा कारण जो है वो अधिक उपयुक्त कारण जो सर्वाधिक उपयुक्त है ये हमें बताना है। कृषि उत्पादन में जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, क्रमिक सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थिति देना। तो देखिए भारत में कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है इसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त कारण है वो है उन्नत कृषि विधियां और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है ये बैंगलोर में है। नेक्स्ट आते हैं, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? भारत में टोटल 127 जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट है गलत युग्म को पहचानना है, चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है ये सही है, नारियल केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, मूंगफली जो है ये बिहार में तो बिल्कुल नहीं होगा, मूंगफली गुजरात में है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा राइट होगा क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। नेक्स्ट आते हैं, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, दाल, कॉफ़ी, चीनी या खाद्य तेल? तो भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाद्य तेल। नेक्स्ट है केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल जो है पूरे विश्व में गरम मसाले के लिए जाना जाता है, मसाला सबसे ज़्यादा जो है वो केरल में ही उगता है। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में राज्य का सही अवरोही क्रम बताना है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इन लोगों ने बार बार पढ़ा है उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक आएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सुमेलित करना है यहाँ पे, फसल है और पैदा करने वाले राज्य, चाय सबसे ज़्यादा आसाम में होता है तो ए का 2 हो जाता है, ईख यानी कि गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है तो बी का 3, मूंगफली गुजरात में है, सेब हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति जो है ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन,
तेल जो होता है इसके उत्पादन संबंधित है पीला क्रांति। नेक्स्ट है आया 20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। आया 20 जो है ये चावल, चावल का अधिक पैदावार होने वाला किस्म है आया 20। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के जस्ट बाद जो फसल बोया जाता है उसको कहते हैं खरीफ फसल। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित राज्य में कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। तो काजू का हमने देखा था कि मुख्य उत्पादक काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। प्रश्न काल में देखो एक चीज़ मैं और बताती हूँ, ये प्रश्न जब पूछा गया था उस टाइम महाराष्ट्र था। अगर वर्तमान की बात करें तो मैं वर्तमान का बता देती हूँ, अभी 2022 चल रहा है तो अभी आंध्र प्रदेश है आगे, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें क्या है। देखो बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शन के हिसाब से मैंने बता दिए हैं, बट अभी वर्तमान में हो सकता है उनका कुछ आंसर चेंज हुआ हो, तो वैसे जहाँ पे मुझे लगेगा मैं वहाँ पे बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पे आंसर महाराष्ट्र था लेकिन अभी आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें क्या हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। दाल इसमें नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की जो काली मिट्टी के क्षेत्र हैं इसमें कपास को गन्ने की फसल के प्रति स्पर्धा का सामना करना पड़ा, इसका कारण क्या है। तो महाराष्ट्र की काली मिट्टी जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, इसके क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रति स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या हो जाता है। तो इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण ये क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहले जो बागानी फसल जो शुरू की गई थी वो नील थी, नील की खेती हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती है। तो रबी की जो फसलें होती हैं ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। तो रबी फसल कौन सा है, गेहूँ, सरसों और चना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश आलू के लिए ज़्यादा है और गन्ने के लिए, आलू और गन्ने के लिए, चावल के लिए तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तो आलू और गन्ना पहला और तीसरा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, दलहन का, दाल का। नेक्स्ट आते हैं भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा किससे अधिक हो। तो चावल की खेती ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है किसके बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो 1966 के बाद की अवधि के बाद जो है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि 1970 में हरित क्रांति आया, उसके बाद हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा सफल क्या हुआ था हरित क्रांति में, गेहूं और चावल हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी नकदी फसल है इसमें से, तो नकदी फसल इसमें तंबाकू है। नेक्स्ट है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल इसमें नहीं है सरसों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है, खरीफ फसल इसमें है चावल, ये सब आप याद रख लेना खरीफ फसल और रबी फसल वाला। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को किस रूप में जाना जाता है, तो स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं झूम खेती, है ना, झूम खेती मैंने बताया था ना, जिसमें पहले वृक्ष और वनस्पतियों को काट के जला देते हैं और फिर साफ करके भूमि की जुताई करके उसमें बीज बोते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा बागवानी से संबंधित है, बागवानी, बागवानी संबंधित स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति जो है वो फल उत्पादन के लिए हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। जेनेटिक रूप से परिवर्तित कौन सा फसल है जिसको व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, तो ये बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य में किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया सिक्किम को, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सारे क्वेश्चन आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहेंगे, और यूजफुल है ही ये चैप्टर ही यूजफुल है, तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना आप लोग तो अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। और प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा चैनल से जाकर के, या फिर कमेंट में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।